तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि ओला स्कूटर की सर्विस और क्वालिटी के कारण परेशान हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिनकी ओला स्कूटर अभी तक काफ़ी अच्छी चल रही है, वो अपनी ओला स्कूटर से बहुत खुश हैं। इवन यहाँ पर दो कस्टमर्स ने क्लेम किया है कि उनकी ओला S1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर में उन्होंने 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा की रेंज अचीव की है। एक यूज़र ने अपनी ओला स्कूटर पर मैक्सिमम 38 किलोमीटर की टॉप स्पीड रखी और एवरेज स्पीड यहाँ पर इनकी थी 20 किलोमीटर और इस स्पीड के साथ उन्होंने 300 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की। उसके बाद भी इनकी स्कूटर में 5% की बैटरी लेफ्ट थी, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो उन्हें 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा की रेंज मिली। वहीं दूसरी तरफ एक यूज़र है जिन्होंने 40 किलोमीटर की टॉप स्पीड अचीव की, एवरेज स्पीड यहाँ पर थी इनकी 23 KMPH। यहाँ पर इन्होंने 303 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और उसके बाद भी इनकी स्कूटर में 4% बैटरी बची थी। वैसे आपको बता दें, ओला कंपनी का कहना है कि उनकी S1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर में मैक्सिमम 181 किलोमीटर की रेंज आ सकती है, लेकिन हाँ, यहाँ पर यूज़र्स ने कम परफॉर्मेंस पर गाड़ी चलाकर काफ़ी अच्छी रेंज पाई है। इससे पहले भविष्य अग्रवाल ने अनाउंस किया था कि जो यूज़र ओला S1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर में 200 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज अचीव करेगा, उसे हम एक न्यू गेरुआ कलर की ओला S1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर गिफ्ट करेंगे। लेकिन ये जो रिवॉर्ड ऑफर था ये कुछ ही कस्टमर्स के लिए था। मुझे जहाँ तक याद है, इन्होंने 10 कस्टमर्स को न्यू गेरुआ ओला स्कूटर गिफ्ट की थी। तो इन दो यूज़र्स ने 300 किलोमीटर प्लस की रेंज अचीव की है, क्या पता कंपनी के तरफ से इन्हें भी कुछ प्राइज़ मिले।